कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजस्थान में मौजूद हैं। इस यात्रा के दौरान दिए गए उनके बयानों को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने राजस्थान के मंच से पेपर लीक को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएगी। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी, एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ और वादों का ऐलान भी किया, जिनमें 30 लाख पदों पर भर्ती, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिस के तौर पर पेपर लीक पर कानून, स्टार्टअप के लिए फंड और असंगठित वर्ग को पेंशन शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेपर लीक को लेकर और नकल के माध्यम से सरकारी परीक्षाओं को पार करने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि केवल वही नहीं जो पेपर लीक के माध्यम से बल्कि नकल के माध्यम से पिछले दरवाजे से नौकरियों में आए हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अनेक रैली में कहा था और जाहिर तौर पर ऐलान करके कहा था कि जो लोग नकल में इन्वॉल्व थे, केवल वो ही नहीं, जो लोग नकल के माध्यम से पिछले दरवाजे से नौकरियों में गए उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए अभी आगे। जैसा मैं शुरू से कहता था कि जांच के पहले कदम और दूसरे कदम तो आरपीएससी और नेताओं तक पहुंचे हैं, अभी देखते जाइए इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सब सामने आ जाएंगे बेनकाब। बता दें कि 14 जनवरी से मणिपुर के थोबल से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हुए ये यात्रा फिलहाल राजस्थान से होकर गुजर रही है। इसके बाद गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में दाखिल होगी और मुंबई में इसका समापन होगा।